पिता क्या होते हैं, पिता का महत्व क्या होता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे बताइएगा कि मुझे कविता किस तरह पूरी करना है। कि पिता के संस्कारों की बारह खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की बारह खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी दो घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आभारी हूं आपका, आपकी तालियां मुझ तक पहुंची। बस इसी मन से सुन लीजिएगा दो मिनट, कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। वाह वाह वाह। और चार पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जिनको लिखकर मैं रोया था। दावा तो नहीं करता लेकिन एक भरोसा है कि अगर आपने मन से सुना तो पंक्तियां आपके आसपास से गुजरेगी। 80% लोगों का एक दर्द पढ़ता हूँ, एक दृश्य अधिकतर लोग बचपन में देखते हैं। मैंने मेरे जीवन में शायद इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा होगा। पंक्तियां सुनिएगा कि मुझे अभी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। वाह। कि अरमानों से लाई गुल्लक नहीं फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो तो चार पंक्तियां सुनिएगा और शिकायत दूर कर लीजिएगा। एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा। ये दशहरा कमेटी उत्सव कमेटी का आयोजन है, हमने 2-3 दिन पहले दशहरा मनाया। एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा। मेरा मानना यह है कि राजा दशरथ ने अगर अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। बस इसी भाव से सुनिएगा। अधिकतर वो लोग बैठे हैं जो खुद पिता बन गए हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिएगा, अपने बच्चे के बचपन को याद कीजिएगा, और पिता से कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़, कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी। काम